महात्मा जी नहीं सुनेंगे, गदा उड़ देंगे यहाँ के। जब धर्म का ह्रास होता है, राम मंदिर बन गया है और हम आशा करते हैं कि कृष्ण भूमि के मंदिर का भी निर्माण उसी तर्ज पे हो, कि कम से कम एक मंच तो ऐसा हो जिस मंच पे हम लोग इकट्ठे होके पूरी दुनिया को बता सके कि हमारी ये पावर है। तो उन्हें जब तक हम लोग सबक नहीं सिखाएंगे, उन्हें जब तक बताएंगे नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में रहते। धन्यवाद। हरी हरी जप मन वाले दिल गए थोड़े। जय सियाराम, जय हनुमान, जय दंदरहुआ धाम की। आइए श्री दंदरहुआ सरकार 1008 यूट्यूब के माध्यम से आप सभी की मुलाकात। पूज्य गुरुदेव है और संतों का ये शुभ समागम दंदरहुआ धाम में लगातार होता रहता है, लेकिन आज हमारे बीच परिचय के कोई मोहताज नहीं। ऐसे संत हमारी नज़रों के संत जरूर हैं, लेकिन ये जीते जागते इस धरती के भगवंत जिन्हें हम एक अद्भुत छवि के रूप में देखते हैं। पूज्य महाराज जी के द्वारा इतने सारे सेवा प्रकल्प किए जा रहे हैं जिनका वर्णन करना संभव तो नहीं है, लेकिन सबसे प्रमुख जो संकल्प महाराज जी ने दिल्ली में लिया है धर्म संसद लगा के, कि आने वाले समय में पूज्य महाराज जी सभी संतों के पावन सानिध्य से पूरे भारतवर्ष के एक एक सनातनी को और भारतवर्षी के आप तू पूरे विश्व से महाराज जी ने आह्वान किया है कि सभी लोग आए और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक प्रयास महाराज जी के साथ करें। और मैं यही चाहूँगा महाराज जी, दंदरहुआ सरकार का ये दरबार कहते हैं कि भक्ति का भंडार है, किस तरीके से भक्तों की वो भावना कृष्ण जन्मभूमि वाली यहाँ आकर पूर्ण होगी? देखिए, भगवान जितने भी अवतार लेते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब हो धर्म के हाने बाड़े असुर अधभे अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युग योगे। हर एक युग में भगवान अवतार लेते हैं। जब धर्म का ह्रास होता है, हनुमान जी महाराज, हम जहाँ जिस स्थान में बैठे हैं श्री दंदरहुआ धाम सरकार, हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान कहते हैं, मतलब ये शारीरिक रोगों को ही ठीक नहीं करते हैं। संसार में सबसे बड़ा रोग है भवसागर का जो रोग, इसमें जो फंसा हुआ ना उसको भी टालते हैं, और धर्म की रक्षा जो धर्म का ह्रास करते हैं वो भी एक रोग है। तो हनुमान जी, कौन सो काज कठिन जगवाई जो नहीं हो तो तात तुम पाई, ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। तो आज हनुमान जी से हम यही मांगने आए कि सनातन धर्म में राम कृष्ण दोनों एक हैं, कोई अलग नहीं है। राम मंदिर बन गया है और हम आशा करते हैं कि कृष्ण भूमि के मंदिर का भी निर्माण उसी तर्ज पे हो, और उसके लिए सभी सनातनियों को जागना होगा, क्योंकि ये ह्रास ही तो हुआ था, सारे मंदिरों को तोड़ा गया था। जामा मस्जिद की सीढ़ी में ठाकुर जी की, केशव देव जी की छवि को गाड़ दिया गया है, आज भी वही है। तो हनुमान जी महाराज से हम यही प्रार्थना करने आए कि जब हमको पता चला और हम कष्ट में हैं तो आप कैसे शांत रह सकते हो, कुछ करो लीला। तो आज हम प्रार्थना किए हैं, और हम जहाँ भी जाते हैं, कथा में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं सनातनियों से, नकली नहीं असली बनो। और अभी हम जितने भी यहाँ भीड़ भाड़ देखते हैं ना मंदिरों में, कथाओं में, तीर्थों में, ये सब नकली लोग हैं। असलत तो क्या है कि हम कम से कम अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताएं, माथे पे तिलक लगाएं, तुलसी धारण करें, संतों का आदर करें, सत्संग श्रवण करें, जीवन में उतारें, सूर्य को जल चढ़ाएं, माता पिता के प्रति रिस्पेक्ट प्रकट करें। घर में तो गालियाँ देते हैं, और हनुमान जी के आगे आगे माथे में भगवान माथा टेकेंगे और रमा माता पिता को गाली दे के आएंगे, भगवान सुनेंगे? हनुमान जी नहीं सुनेंगे, गदा उड़ देंगे यहाँ आके। तो क्या करना है, धर्म को, धर्म के पूरे रास्ते को समझें, और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो इसके लिए उसे धर्मात्मा बनाएं। हनुमान जी महाराज ने कभी भी जीवन में भगवान से कुछ मांगा नहीं, मांगा कभी आपको याद हो तो आप बताओ, और हम अपना पूरा जीवन मांग मांग के निकाल रहे हैं। अरे भाई, मांगना अच्छी बात है, जरूरत होगी तो हम अपने माँ बाप से मांगेंगे, भगवान से मांगेंगे, पर उसको कुछ दें तो सही। देने का मतलब नोट नहीं है, अपना समय दें, अपना विचार दें, कुछ नहीं तो अपने संस्कार जो है वो अपने बच्चों को दे दें, ये देना होगा, और इस देने से आने वाले पीढ़ी का सुरक्षा होगा और हमारे धर्म की सुरक्षा होगा। जी, एक और निवेदन है कि देखा जा रहा है आए दिन ऐसे ऐसे विद्यालय आ रहे हैं, और कई सारे केस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं कि बच्चे को तिलक लगाया था तो स्कूल में प्रवेश नहीं दिया, कहीं कलावा बांधे हैं तो उसको प्रवेश नहीं दिया। इसके लिए क्या कर सकते हैं लोग,
आपने जगह पर रहकर ही इसके लिए कुछ कर पाए। 1.5 से 1.25 करोड़ लोगों का आह्वान किस लिए किया है कि कम से कम एक मंच तो ऐसा हो जिस मंच पे हम लोग इकट्ठे होके पूरी दुनिया को बता सके कि हमारी ये पावर है, पहली बात। दूसरी बात, ये देश भारत जो है वो सनातनियों का है और सनातन में तिलक का एक महत्व है। टीचर भी पढ़ाने वाले सनातनी, स्कूल चलाने वाले सनातनी, रोकने वाले भी सनातनी। बाहर के लोग तो नहीं आ रहे ना, तो उन्हें जब तक हम लोग सबक नहीं सिखाएंगे, उन्हें जब तक बताएंगे नहीं। मैं तो कथाओं में कम से कम, मुझे याद है कि 20 से 25 सालों तक ऐसा समय हो गया लगातार मैं तिलक, कंठी, कलावा और भगवान के नाम का आह्वान करता हूँ लोगों से। 20 से 25 साल हो गए ये करते हुए, और हर सनातनी को लगाना चाहिए। अगर कोई रोकता है तो समाज के लोगों को उस स्कूल का विरोध करना चाहिए, उस टीचर को उस स्कूल से निकलवा देना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार इस पे अहम कदम उठाए। हमारे संस्कारों को रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हम पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में रहते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य गुरुदेव का, समय प्राप्त हुए हैं। मिलूंगा अगले वीडियो के साथ, आप सभी को जय श्री राम।